बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग। राइजोनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उसके हवाले से कंप्लीट डिटेल्स अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की जाए। 20 से 30 लाख रुपये का बजट एक ऐसा बजट है जिसमें कोशिश ये होती है जी कि एक सबसे पहले तो प्लॉट हो जाए। बहुत सारी लो कॉस्ट में चीज़ें आती हैं लेकिन उसमें लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन पोजेशन उनकी जो है वो बहुत लेट होती है। पोजेशन के हवाले से एक दो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं कि अगर आप कंप्लीट पोजेशन के साथ प्लॉट लेना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम रेट में हमारे पास 20 से 30 की ब्रैकेट में दो तीन ऑप्शंस मौजूद हैं, आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप कहते हैं जी कि हमारे पास टोटल पैसे नहीं हैं लेकिन उसमें यह है कि 50%, 40%, 60% की कुछ अमाउंट मौजूद है और बाकी जो है वो हम साल 1.5 साल के टाइम में कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी इस राइजोनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपको मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कैश की, कैश में जी आपके पास CDA सेक्टर से करीब तरीन, ठलिया इंटरचेंज से करीब तरीन, कश्मीर हाईवे से उसकी जो है वो अपीयरेंस नज़र आती है, तबलीगी मरकज़ के करीब जमर वैली है जी। जमर वैली में आप 20 लाख रुपए के बजट से लेकर 30 लाख रुपए तक अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं और ये कैश की इन्वेस्टमेंट है। इसमें कुछ ऑप्शंस, इसी प्रोजेक्ट में कुछ ऑप्शंस ऐसे भी मिल सकते हैं कि आपकी 4-5 महीने की पेमेंट्स जो हैं वो आपको टाइम पीरियड भी जो है वो उसमें पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो उस हवाले से अगर आपके पास 60%, 70% कुछ पेमेंट्स मौजूद हैं, आप घर बनाना चाह रहे हैं, पोजेशनेबल प्लॉट की तरफ जाना चाहते हैं, सोसाइटीज़ के ये डेवलपमेंट चार्जेस और इन चक्कर्स में नहीं पड़ना चाहते हैं आप, तो कुछ पैसे आप जो है वो इकट्ठे पे करके अपना पोजेशन वाला प्लॉट हासिल कर सकते हैं और उस पे कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। सिंगल स्टोरी भी लोगों ने यहाँ पर घर बनाए हैं, डबल स्टोरी भी घर बनाए हैं, विला का भी एक यहाँ पर हमारे दोस्त हैं वो विला का काम कर रहे हैं, तो उस पे जो है वो अच्छे रेट्स में विलाज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप खुद से भी वो चीज़ें बना सकते हैं और वहाँ पर मार्केट भी है, फैमिलीज रह रही हैं, सब ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ एक और ऑप्शन अगर हम इसी ब्रैकेट में देखें तो फैसल हिल्स में कुछ प्लॉट हमारे पास हैं, बी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, जहाँ पर आप 30 के अराउंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। एक बड़ा ग्रुप है और अमेनिटीज़ की अगर बात की जाए तो स्कूल हैं, पार्क हैं, कमर्शियल्स मौजूद हैं, हाई राइजेज मौजूद हैं, बहुत सारी अमेनिटीज़ जो हैं वो आपको मिलती हैं और बहुत रीज़नेबल रेट में अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का वहाँ पर मौका है। थर्ड ऑप्शन की तरफ अगर हम जाएँ तो उसमें फिर यह है कि इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको कुछ पे करनी पड़ेंगी और बाकी कुछ आपको टाइम मिल जाएगा, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इसी ठलिया इंटरचेंज के करीब तरीन अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है सिल्वर सिटी। सिल्वर सिटी में आप 20 लाख रुपए के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो भी इंस्टॉलमेंट में। 5 मरले का प्लॉट आपको 20 लाख रुपए में मिलेगा और इसमें आपको तकरीबन 50%, 60% पेमेंट जो है वो शुरू में अदा करनी पड़ेंगी और उसके बाद फिर जो है वो आप इसमें जो है वो इंस्टॉलमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। अभी इनकी सेकंड बैलेटिंग भी होने जा रही है जी। बैलेटिंग का क्राइटेरिया 80% है, अगर आप 80% तक पेमेंट अपनी अदा कर देते हैं तो उस पर कुछ डिस्काउंट भी हैं, आप वो डिस्काउंट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और 80% अदा करते हुए आपको प्लॉट नंबर भी जो है वो मिल जाएगा और प्लॉट नंबर के बाद 20% आपकी रिमेनिंग रह जाएगी और आप पोजेशन अगर हासिल करना चाहते हैं तो पोजेशन भी उस पर आपको मिल सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या राइजोनिक मार्केटिंग के ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई जाएं, उस पर डिस्कस किया जाए और उसके बाद आपकी जो जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट करवाई जाए, ना कि अगर आप जो है वो सिल्वर सिटी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए बेहतर है तो हम आपको जो है वो फैसल हिल्स की तरफ ले जाएं, या अगर आपके लिए फैसल हिल्स बेहतरीन ऑप्शन है तो आपको हम सिल्वर सिटी की तरफ ले आए। तो ये चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, हर बंदे का, हर जो मेंबर है उसकी ज़रूरत मुख्तलिफ है, हर बंदे को अपनी जो है वो फैमिलीज़ के साथ जो है वो चीज़ों को देख के मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो अपने अपने करीब में ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें डिस्कस किया जा सकता है और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करवाई जा सकती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।